देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे पहले। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज गौ रक्षा को लेके पद यात्रा करके हैदराबाद से यहां तक हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे हैं। साथ ही ये लोग गौ रक्षा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग उठा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी परेशानी है और किस तरीके से आगे इसके लिए बढ़ेंगे। क्यों नहीं सुनती है जबकि सरकार इतनी हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व के लिए खड़ी रहती है। हम लोग हैदराबाद से गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा कराने का उद्देश्य और गौ मांस के एक्सपोर्ट बंद करने को, गौ हत्या बंद करना बोल के मांग लेके हैदराबाद से 1500 किलोमीटर ऊपर दिल्ली तक पदयात्रा चले। हमारा एक ही उद्देश्य है कि गावस्य विश्वस्य मातरा, गाय हर मजहब के वाले को, हर देश के वासियों को, पूरा विश्व के पूरा प्रजा को ये गाय का संपूर्ण आवश्यक है। आज वो गाय माँ, छोटे छोटे गाय माँ भी हजारों गायें रोजाना कट रहे हैं। अपने स्वतंत्र के पूर्व 130 करोड़ ऐसे गाय माता आज 30 करोड़ का अंदर आए। अपने भविष्यत में अपने बच्चों को, गाय को अपन जू पार्क में बताने का प्रयास नहीं होना बोल के अभी ये 30 करोड़ गायों का रक्षा करना है। इसको गाय को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए हम लोग हैदराबाद से यहाँ तक पदयात्रा करें। आप लोग ये मांग कर रहे हैं, मुख्य क्या क्या मांगे हैं जो आप लोग उठा रहे हैं जंतर मंतर से, सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाह रहे हैं जो सरकार अभी तक नहीं समझ? ये मांग मेरे नहीं है, ये गाय एक प्राणी नहीं है, का कि भारत देश का प्राण है। ये गाय एक जानवर नहीं है, ये हमारे जान है, हम सबके जान है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, आप सबके संस्कृति, आप सबके वास्ते ये हम लोग पदयात्रा है। हम सबके लिए गाय जरूरत है, ये गाय कहीं जानवर नहीं होता, यह आपने पूरा भारत देश का जान है। ये जान आज रो रही है, ये रोने बंद करने के लिए हम लोग पैदल आए, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे, उन्होंने हमारा भगवान है बोल के, वही हमारा मंदिर संसद भवन है, पार्लियामेंट हमारा मंदिर है। हर पार्टी वाले को, हर मजहब वाले को, हर एक से हम विनती कर रहे कि गाय माता का रक्षा करें। ये सबका कर्तव्य है, मोदी जी का एक ही कर्तव्य नहीं है, हम सबका, हर पार्लियामेंटेरियन का, हर हिंदू भारतवासी का, हर भारतीय वीर नारी का, हर सब गो बंधु का, हर सब हिंदू बंधु का, हर सब मजहब का बंधुओं का, संपूर्ण मानव जाति का ये कर्तव्य है कि गो माता राष्ट्रीय माता का दर्जा दिला जाए। लगातार देखिए मांग तो आप लोग उठाते हैं, एक सवाल ये है कि अब आगे क्या कदम होंगे अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार इस पर अभी कोई फैसला नहीं लेती है तो? देखिए आदरणीय, सबसे बड़ी बात तो ये है, अब जो गाय माता है, जो हमारे बुजुर्गों ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने इसको माँ कह के बयान किया ताकि हम इसकी महत्ता को समझ सकें। अभी आपने श्रेष्ठ मुनि महाराज से पूछा कि भाई रोड पे गाय माता विचरण करती है, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब लोगों को इनके गुणों की महत्ता का, इसकी पूजा का पता नहीं रह गया है। पहले हर चूल्हे पे गाय की रोटी निकलती थी, गाय के कंडे से रोटी सिकती थी, और गाय पैदा होने से लेकर मरने तक संपूर्ण प्रकृति की संचालक और रक्षक है। और हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाव एक ही है, जब तक कोई भी सरकार आए, और ये सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं है, हमसे पहले भी राजीव दीक्षित जी ने भी और जितने भी महामुनि हुए हैं, यहाँ तक आप कुरान को पढ़ के देखिए, उसमें भी गाय के संरक्षण की बात की हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब तक लोगों के में इसकी जागरूकता नहीं जाएगी, इसकी महत्ता समझ में नहीं आएगी, हम अपना ये जो जितनी भी है संत समाज को अग्रणी बना के हम लगे रहेंगे, ये आवाज़ बार बार उठती रहेगी। जी सर, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप लोग इतने बड़े आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पर गाय हैं उनको कैसे बचाया जाए, जो अभी हैं गाय उनको कैसे सुरक्षित किया? जय गौ माता। जो आप अच्छे सवाल उठाए, जो पहला ये राष्ट्रीय माता गौ माता को बना दिए तो उसका व्यवस्था एक बनेगा, वो व्यवस्था के इसमें जिला अधिकारी को उसके खाने का व्यवस्था लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता। और एक बात जो है, आप बोलने की वजह से मेरी छोटी सी एक विनती है, पुरानी कहावत में है, सो भाई सुने सो बोल रहा हूँ, जो वशिष्ठ महाराज को तो सब जानते और विश्वामित्र जी को तो सब जानते, हाँ विश्वामित्र जी
अपने वशिष्ठ साहब का ने गैस होकर गाना देने के वास्ते कामधेनु के हथियार में पूरा दे दिया था। वो अपना जब वशिष्ठ महाराज को बोले इन्हें जबरदस्ती विश्वामित्र लेने गए तो वो बोले कि वशिष्ठ महाराज से पूछा जबरदस्ती उन्हें ले जाना चाह रहा आप बचा नहीं सक रहे मेरे को मैं बचा ले हूँ क्या बोल के पूछे तो हाँ बराबर बचा लेना। ये वक्त अब आ गए क्योंकि आज के दिन में इतने घाया काटना जा रहे और उसके व्यवस्था पूरा गंदा हो गया। इसलिए गाय माता हमारे बालकृष्णा गुरुजी को बेटा हैदराबाद से जो है ना दिल्ली तक पादयात्रा में चले तो क्या है वहाँ से यहाँ तक कदम कदम पे एक परिपूर्ण स्वागत मिला परिपूर्ण मदद मिला। इसलिए गाय माता अपने को बचाने के लिए आ रही। मोदी जी पूरे अपने सरकार में पूरे देश में ऐसो हर चीफ मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति महोदय को सबको मेरा विनती है जल्द से जल्द अपना गाय माता को राष्ट्रमाता बना के सबको किसानों को परिवारों को सबको अच्छा रखना और स्कूल बच्चों को गाय माता का दूध फ्री में देना बोल के है सबको प्रणाम 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 जय गौ माता। सर एक सवाल आपसे है कि देश भर में कई जगह गौशाला है लेकिन फिर भी गौशालाओं की भी स्थिति सही नहीं होती सरकार उसे नहीं मेंटेन कर पाती तो सरकार गौ रक्षा कैसे करवाए। इसी के ऊपर जैसा कि आपने बताया हम गौ रक्षा को जब गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने के बाद में जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि कलेक्टर को जिला अधिकारी को सबको जैसा कि शेर को और मोर की रक्षा करना कैसा अपना एक संविधान बन गया इसी तरह के गौ माता का भी जब संविधान बिल पास हो जाने के बाद में हर कोई सनातनी अपने धर्म घर में एक हिंदू पर गाय का तो अपनी एक फर्ज बनती है गाय को पालना अपनी सनातनी की धर्म बनता है कि हर घर में हर एक हिंदू सनातनी अपने घर में गाय पालना चाहिए। और ये राष्ट्रीय प्राणी घोषित होने के बाद में हर एक इंसान को एक फ़ख्र होगा कि आज मेरे घर में मोर है मेरे घर में शेर है। इसी तरह गाय भी एक हिंदू सनातनियों के लिए फ़ख्र की बात रहेगी। ठीक है ये लोग यहाँ आए हैं कहीं इनसे सवाल हमने किए पूछा कि किस तरीके से गौ माता का संरक्षण हो आगे गौशालाओं को कैसे बेहतर बनाएं और क्यों गौ माता को गौ राष्ट्र घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु इस सब पे सवाल किए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।